हेलो स्टूडेंट्स लास्ट पार्ट टू वीडियो में हमने पब्लिक प्रॉपर्टी के टॉपिक को डिस्कस किया था और हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ था इन वर्कबुक चैप्टर नंबर फर्स्ट हु विल डू दिस क्वेश्चन नंबर वन चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम दोज गिवन ब्लो ईच क्वेश्चन एंड राइट इट्स इंडेक्स लेटर इन द बॉक्स प्रोवाइडेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिए हैं उसका आंसर आपको बॉक्स में लिखना है नंबर वन वेयर शुड वी रियलाइज धर्टी वाटर ए इन पब्लिक ग्राउंड बी इन कॉटयार्ड सी इन गटर एंड डी इन वेल हमको दर्टी वाटर कहाँ डालना चाहिए इन गटर सी इन गटर नंबर टू वीअर शुड वी थ्रो गार्बेज हमें गार्बेज कचरे को कहाँ थ्रो करना चाहिए ए एट पब्लिक प्लेस बी इन डस्टबिन सी इन कोर्ट यार्ड एंड डी इन लॉन सो आंसर बी इन डस्टबिन तो बॉक्स में क्या लिखेंगे हम बी नंबर थ्री विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पब्लिक प्रॉपर्टी इनमें से कौन सी पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है a school b garden c home d government hospital answer c home box may c number four which of the following habit is good for the conversion of environment a make public places dirty b do plantation c throw garbage anywhere d burn crackers that प्रोड्यूस लॉट ऑफ नॉइस कौन सी हैबिट है जो एनवायरमेंट के लिए अच्छी है बी डू प्लानेशन आंसर बी नंबर फाइव अमृत हैज़ फॉलोइंग हैबिट्स विच अमंग द फॉलोइंग हैबिट्स इज हार्मफुल फॉर द एनवायरमेंट अमृत के पास कुछ हैबिट्स हैं कौन सी हैबिट एनवायरमेंट को हार्मफुल करती हार्म करती है ए अमित ऑलवेज थ्रो द गार्बेज इन द डस्टबिन बी अमित वाटर्स द प्लांट्स ग्रोइंग इन हिज हाउस सी अमित डज नॉट डिफिक इन द ओपन डी अमित प्लग्स फ्लावर्स फ्रॉम द स्कूल गार्डन एंड थ्रो दैम आफ्टर स्मेलिंग एंसर इज डी अमित स्कूल से फ्लावर को तोड़कर उसको सूंघ के और वो बाहर फेंक देता है आंसर इज़ डी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू फिलिंग द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट वर्ड्स फर्स्ट टू डैश ट्रीज स्ट्रीट एंड एनवायरमेंट इज़ अवर ड्यूटी पेड़ सड़कें और पर्यावरण की रक्षा करना हमारा क्या है कर्तव्य है तो आंसर में प्रोटेक्ट पी आर ओ टी ई सी टी नंबर टू वही मस्ट ऑलवेज थ्रो गारबेज इन द डैश हमें गारबेज कहाँ डालना चाहिए डस्टबिन डी यू एस टी बी आई एंड डस्टबिन नंबर थ्री द प्राइमरी स्कूल ऑफ विलेज इज़ डैश प्रॉपर्टी गाँव का जो प्राइमरी स्कूल है वो हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है पब्लिक प्रॉपर्टी पी यू बी एल आई सी पब्लिक नंबर फोर ऑन द फेस्टिवल ऑफ़ डैश वी मस्ट नॉट प्लस्ड फायर क्रैकर्स डैट हैव लाउड साउंड हमें ऐसे पटाखे नहीं बोड़ने चाहिए जिससे कि आवाज़ हो वो कौन से फेस्टिवल्स में दिवाली डी आई डब्ल्यू एल आई नंबर फाइव वाटर प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाई हारवेस्टिंग डैश वाटर रेन वाटर आर ए आई एन हम वाटर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं किससे रेन आर ए आई एन रेन वाटर क्वेश्चन नंबर थ्री मेक अ टिक मार्क राइट अगेंस्ट द ट्रू स्टेटमेंट एंड अ क्रॉस अगेंस्ट द फॉल्स स्टेटमेंट जो स्टेटमेंट ट्रू है उस पर राइट टिक करना है और जो स्टेटमेंट फॉल्स है उस पर क्रॉस टिक करना है मतलब रॉन्ग करना है नंबर वन वी मस्ट प्लांट मोर ट्रीज हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए राइट नंबर टू प्लास्टिक वेस्ट कैन बी थ्रोन एनीवेयर प्लास्टिक के कचरे को कहीं भी फेंका जा सकता है रॉन्ग नंबर थ्री ईटिंग जंक फूड सोल्ड इन द मार्केट इज़ हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ जंक फूड जो मार्केट में बेचा जाता है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है इट्स ट्रू राइट नंबर फोर कटिंग ट्रीज इज़ बेनिफिशियल फॉर द एन्वायरमेंट पेड़ को काटना पर्यावरण के लिए लाभदायक है रॉन्ग नंबर फाइव वाटर टैप ऑफ द विलेज इज अ पब्लिक प्रॉपर्टी गांव का पानी का नल वो एक सार्वजनिक संपत्ति है इट्स ट्रू मीन्स राइट